बीएमआई होता क्या है? सो टीम, अगर बात करते हैं बीएमआई के बारे में, सो बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स। अभी हमारे मन में एक क्वेश्चन और भी आ रहा होगा कि बॉडी मास इंडेक्स भी होता क्या है। सो टीम, अगर हम लोग किसी को भी, कोई भी पर्सन को, कोई व्यक्ति को अगर हम लोग उनका बीएमआई चेक कर रहे हैं इस मशीन के जरिए, और अगर हमें पता ही नहीं है कि इस मशीन क्या क्या बताता है, ये मशीन क्या क्या शो करता है हमें, तो शायद इसके बारे में हम लोग प्रॉपर जानकारी लोगों को नहीं दे पाएंगे। इस मशीन के सहारे जितने भी प्रोडक्ट्स लोगों को सजेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरत है, वो सारा प्रोडक्ट्स हम लोग सजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे मन में ये जो सिनेरियो है इसको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरत है कि व्हाट इज बीएमआई, बीएमआई होता क्या है, बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है। इसके साथ साथ ये जो मशीन है ये आपको कौन से चीजों के बारे में बताता है, ताकि आप अपने शारीरिक कंडीशन को और भी बेहतरीन तरीके से, उसको और भी हेल्दी तरीके से रख पाए। उसका जो भी सप्लीमेंट्स है, उसका जो भी सहारा हिसाब से जितने भी हमारा प्रोडक्ट्स है उसको आप कैसे इस्तेमाल करें। सो टीम, अगर बात करते हैं बीएमआई के बारे में, तो हमारे जितने भी हाइट होती है, चाहे वो हमारे 5 फीट हो, 6 फीट हो, 5.5 फीट हो, जितना भी हमारा हाइट होता है, हर हाइट के अनुसार हर कोई शरीर में एक वजन को कैरी करना बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना भी हमारा हाइट होता है उस हाइट के अनुसार एक वजन को कैरी करना बहुत ज्यादा हमें जरूरत है, और उसी को बोला जाता है बीएमआई। अगर उस वजन में घटाव आ जाता है, ये भी हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। अगर वजन हमारे हाइट के अनुसार से ज्यादा हो जाता है तो वो भी हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। अगर वजन में कमती आ जाएगी तो इसके चलते काफी ज्यादा बीमारियों का सामना हमें करना पड़ेगा, हमारा शरीर वो सारा काम नहीं कर पाएगा जो हमारे नॉर्मल शरीर को एक करना चाहिए, क्योंकि हमारा हाइट के अनुसार हमारा जो वजन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं टीम हमारे मोटापे के बारे में, मोटापा मतलब क्या है, हमारे हाइट के अनुसार हमारा जो वजन है अगर वो काफी ज्यादा से ज्यादा होगा, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग रेंजेस हैं जिसके बारे में हमें पता लगेगा कि हमारा जो वजन है वो कितना ज्यादा है और हम लोग कौन सा स्टेज में पड़ते हैं। अगर ये भी चीज हमारे साथ होता है तो इससे क्या होगा, इससे भी काफी सारे बीमारियों का सामना हम लोग कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी करना हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। और यही चीजें होता है जो हमें बीएमआई मशीन बताता है कि आपके हाइट के अनुसार आपका जो वजन है क्या ये आप सही रख पाए हैं, क्या वो सही है, या फिर क्या वो बहुत ही ज्यादा अबनॉर्मल रेंज के साथ वो भाग रहा है। यही चीजें आपको ये मशीन बताता है, वजन में आपका कमती होना या फिर वजन में आपका बहुत ज्यादा से ज्यादा आपका अगर इंक्रीज भी हो जाता है तो इससे काफी ज्यादा समस्या हमें फेस करना पड़ सकता है। और यही चीजों के बारे में आपको मैं आज बताऊंगा कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। उसके साथ साथ कुछ आइडियाज मैं आपके साथ ऐसा शेयर करूंगा, शायद आप लोग ऐसे आइडियाज को फॉलो करते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें हम लोग और भी ज्यादा ब्रशअप करेंगे ताकि उन सारे चीजों को हम लोग थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से कर पाए, ताकि लोगों के पास हम लोगों को पहुंचने में बहुत ज्यादा देरी ना हो जाए। सो टीम, बॉडी मास इंडेक्स, व्हाट इज बीएमआई, बीएमआई का अगर हम लोग बात करते हैं, बीएमआई रेंज अगर आपका 18.5 से लेके 24.9 तक अगर मशीन आपका बताता है, मशीन अगर आपका शो करता है, तो इसको हम लोग मान के चलते हैं कि ये हमारा नॉर्मल है। मतलब हमारे हाइट के अनुसार हमारा जो वजन है वो एकदम नॉर्मल कंडीशन में है, उसका कोई भी उतार चढ़ाव नहीं हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ भी हमें और भी कुछ स्टेजेस के बारे में जानना पड़ेगा जो हमारे शरीर के लिए एकदम भी, हमारे शरीर के लिए थोड़ा सा भी सही नहीं है। अगर बीएमआई चेक करने के टाइम किसी का भी अगर बीएमआई रिजल्ट 18.5 के नीचे अगर शो करता है, तो इसका मतलब यह है कि उनके हाइट के अनुसार उनका जो वजन है वो काफी ज्यादा कम है, मतलब वो अंडरवेट है। अगर 18.5 से 24.9 तक आता है तो इसका मतलब यह है कि वो नॉर्मल वेट में है, मतलब उनके हाइट के अनुसार उनका जितना वजन होना चाहिए वो सारा चीजें सही है। अगर किसी का रिजल्ट आता है 25 से लेके 29.9 तक, इसका मतलब यह है कि वो ओवरवेट है, मतलब उनका जो वजन है उनके हाइट के अनुसार वो थोड़ा सा ज्यादा है। 30 से लेके
39.9 तक अगर किसी का रिजल्ट आता है तो इसका मतलब यह है कि वो ओबेसिटी ग्रस्त हो चुके हैं, मतलब मोटापे से वो ग्रस्त हो चुके हैं। और जिनका रिजल्ट 40 से ज्यादा आता है उनका मतलब है कि वो मॉर्बिड ओबेसिटी के अंदर वो पदार्पण कर चुके हैं, मतलब काफी ज्यादा से ज्यादा बीमारी जो है वो उनके अंदर होना स्टार्ट हो चुका है। ये जो रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट हमारे सामने हमेशा होना चाहिए जब भी हम लोग बीएमआई चेक करने जाते हैं, बीएमआई मशीन को लेकर अगर हम लोग जाते हैं तो ये जो रिजल्ट है ये हमेशा हमारे पास होना चाहिए, ताकि लोगों को हम लोग सही बीएमआई रिजल्ट के साथ साथ हम लोग उनको ये चीजें बता पाए कि इस बीएमआई को अगर आपको कंट्रोल करना है, या फिर आपको बीएमआई अगर बहुत ही ज्यादा अबनॉर्मल रेंज में है, चाहे वो अंडर वेट है, चाहे वो आप ओबेसिटी में ग्रस्त है या फिर मॉर्बिड ओबेसिटी में ग्रस्त है, तो ये सब प्रोडक्ट्स आपको अपने बॉडी वेट को कम करने में मदद करेगा। और वही सारा प्रोडक्ट्स आपको बताने के लिए आपको क्या करना है, आपको इन सारे लेवल्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि लोगों को हम लोग सही दिशा दिखा पाए उनको और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। यस टीम, ये है हमारा मेन उद्देश्य कि बॉडी मास इंडेक्स के जरिए हम लोग लोगों को कैसे और भी ज्यादा स्वस्थ रख सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग लोगों को और भी कितना ज्यादा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करा के लोगों को एक बेहतरीन स्वस्थ दे सकते हैं, यही हमारा मेन मोटो होना चाहिए, यही हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। और आज इसी टारगेट के साथ साथ हम लोग आज बात करेंगे कि बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स से कैसे आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कस्टमर पा सकते हैं, कौन सा टेक्निक आपके पास होना चाहिए बहुत ही ज्यादा कस्टमर्स को पाने के लिए। तो टीम अगर बात करते हैं हम लोग सबसे पहला एक ऑप्शन के बारे में, इसके लिए आपके पास कोई पीपीटीज नहीं है, सो आप लोग अगर नोट डाउन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप नोट डाउन करते हैं तो चीजें आपके पास स्टोर्ड रहेगा। अगर टीम बात करते हैं कि बीएमआई के बारे में बात करते हैं, तो बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स, जो हमें हमारे स्वास्थ्य को और भी ज्यादा बेहतर बनाने में आपको मदद करता है। तो सबसे पहले हमें कौन सा जगह हमें जाना चाहिए जहां पे हमें बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे। तो टीम अगर मैं बात करता हूं अगर आपको स्वस्थ रखना है तो जहां जहां लोग स्वस्थ होने के लिए जाते हैं उस जगह पे अगर हम लोग सबसे पहले अपने इस मशीन को लेके पहुंचेंगे तो उन सारे जगह से हम लोग बहुत ज्यादा कस्टमर को पा सकते हैं। जैसे ये जगह होता कौन सा है, सुबह सुबह बहुत सारे लोग पार्क में जाते हैं एक्टिविटी करने के लिए, बहुत ज्यादा लोग जाते हैं वहां पे एक्सरसाइज करने के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए, योगा करने के लिए, बहुत सारा चीजें करने के लिए सुबह सुबह लोग पहुंच जाते हैं पार्क में। और इसी पार्क में अगर हम लोग जाते हैं और वहां पे अगर उन सारे लोगों तक हम लोग पहुंचते हैं जो लोग स्वस्थ होने के लिए डेली बेसिस वो पार्क में आके वो एक्टिविटी करते हैं ताकि वो और भी ज्यादा हेल्दी रह पाए, अगर उन सारे जगह तक पहुंच के अगर हम लोग उनसे बात करते हैं, उनका अगर बीएमआई टेस्ट करते हैं और साथ ही साथ कुछ प्रोडक्ट्स का डेमो अगर उनको दिखाते हैं उस जगह पे, तो उन सारे जगह से हम लोग काफी ज्यादा कस्टमर्स को पा सकते हैं। सबसे पहले आपका ये ऑप्शन है कि अगर हम लोग पार्क जाते हैं और पार्क जाके जहां पे लोग एक्टिविटी करते हैं वहां पे अगर हम लोग एक छोटा सा एक बीएमआई कैंप करके लोगों को अगर सलाह दे सकते हैं हम लोग कि आप और भी ज्यादा कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, अपने एक्सरसाइज तो आप डेली बेसिस में करते हैं लेकिन उसके साथ साथ कुछ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके आप और भी कैसे स्वस्थ रह सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा अगर उनको हम लोग सलाह देंगे तो काफी ज्यादा टाइम हम लोग उनको हेल्दी रख सकते हैं थ्रू हमारा प्रोडक्ट। एक तो आपका ये हो गया, आप पार्क एक्टिविटी कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम लोग कोई भी फिजियोथेरेपी सेंटर जहां पे है वहां पे भी जा सकते हैं, कोई भी मेडिकल रिहैब जहां पे होता है, कोई भी मेडिकल कैंप जहां पे होता है वहां पे भी जा सकते हैं, वहां पे ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है या फिर लोकल एरिया में जितने भी हमारे क्लब्स होती हैं उन सारे जगह पे भी जाके हम अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बता सकते हैं, बिजनेस के बारे में लोगों को और भी ज्यादा आगाह कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग इस बीएमआई मशीन के जरिए काफी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम एक जगह इकट्ठा कर सकते और उसके चलते हम लोग काफी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपना प्रोडक्ट्स का शो कर सकते हैं। बस आपको एक ही चीज करना है, छोटा सा एक कैंप का इंतजाम करना है, बीएमआई मशीन को लेके जाना है और उसके साथ साथ आपको और क्या करना है, आपको कुछ कुछ प्रोडक्ट्स का डेमो वहीं पे दिखाना है
और अगर ये सब चीजें अगर हम लोग कर देते हैं तो इसके चलते काफी ज्यादा कस्टमर हम अपने इस बीएमआई कैन के जरिए लोगों के अंदर हम लोग पा सकते हैं। सो टीम अगर बात करते हैं कि इससे भी हम लोग और भी कितने ज्यादा लोगों के पास जाके हम लोग अपने बीएमआई इस मशीन को लेके पहुंच सकते हैं, तो अगर जब भी हम लोग बीएमआई कैंप करने जा रहे हैं, जब भी हम लोग बीएमआई कैंप करने जा रहे हैं, चाहे वो कोई पार्क एक्टिविटी हो, चाहे वो कोई सोशल क्लब एक्टिविटी हो, कोई भी ब्लड डोनेशन कैंप हो, कोई भी जगह पे अगर हम लोग बीएमआई कैंप करने जा रहे हैं, तो जिन व्यक्ति का हम बीएमआई कैंप कर रहे हैं उनके सामने अगर हम लोग एक फॉर्म का प्रिंट आउट करके, एक प्रॉपर फॉर्म का प्रिंट आउट करके अगर हम लोग लेके चलते हैं, और उसमें उनका भी डिटेल्स भरने के बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि उनके कुछ और भी नए लोगों को अगर हम लोग जुड़वाना चाहते हैं, जैसे सामने वाले अगर कोई व्यक्ति है, मैं उसका बीएमआई चेक कर रहा हूं, मैं उसके हाथ में एक फॉर्म दे रहा हूं, और फॉर्म में क्या कर रहे हैं वो, फॉर्म में वो अपने पूरा डिटेल्स भर रहे हैं, और उसके नीचे हम लोग अगर एक दो कलम और भी रख देते हैं जहां पे वो अपने सबसे नजदीकी लोगों को अगर सलाह देना चाहते हैं कि वो भी स्वस्थ रहे, तो उनका फोन नंबर, उनका नाम और उनका एड्रेस अगर वो अपने फॉर्म में वो खुद फिलअप करके अगर हमें दे रहे हैं, तो इसके जरिए भी हम लोग काफी ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, उनके फैमिली तक हम लोग जा सकते हैं इस मशीन के चलते। बस कुछ फॉर्म का कुछ टेक्निक्स हमें आना चाहिए। एक फॉर्म ऐसा होना चाहिए कि कोई भी जगह पे अगर हम लोग जा रहे हैं तो वहां का जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर हमारे पास रहता है, अगर वो हम लोग स्टोर करके रख देते हैं, तो इसके चलते हम लोग काफी ज्यादा और भी लोगों तक पहुंच के जा सकते हैं। अगर कोई मेरे सामने अगर कोई व्यक्ति है, मैं उसका बीएमआई चेक करके मैं उनको सलाह दे रहा हूँ कि सर अगर आप ये फॉर्म को फिलअप करके अगर आप अपने 3 या 4 या 5 नजदीकी लोगों का नाम एड्रेस अगर यहाँ पे आप दे देते हैं, तो हम लोग उनके घर में भी जाके, उनके पास जाके भी हम लोग उनका बीएमआई चेक करके उनको और भी ज्यादा बेहतर बनाने में हम लोग उनको मदद कर सकते हैं। तो इनके चल के भी हम लोग काफी ज्यादा लोगों तक लोग पहुंच सकते हैं। उसके साथ साथ काफी ज्यादा सेंटर्स हैं जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, जैसे मेडिकल सेंटर्स, कोई भी फिजियोथेरेपी हो रहा है वहां पे हम लोग जा सकते हैं, कोई मेडिकल रिहैब में हम लोग जा सकते हैं, कोई दवाई दुकान के साथ उनके जितने भी कस्टमर्स हैं उन कस्टमर्स के साथ बात करके हम लोग एक छोटा सा कैंप का आयोजन भी कर सकते हैं जहाँ पे बीएमआई चेक हम लोग कर सकते हैं, और बीएमआई चेक करने के साथ साथ काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ बीमार व्यक्ति को नहीं, हर किसी के पास हम लोग इसको लेके जा सकते हैं, हर किसी को हम लोग अपना प्रोडक्ट्स को दे सकते हैं, चाहे उनका अंडर वेट हो, चाहे वो ओबेसिटी में से ग्रस्त हो, या फिर चाहे वो नॉर्मल वेट क्यों ना हो, हर किसी के पास हम लोग इसको लेके जा सकते हैं। हमारे पास टीम आज ये आ चुका है, हमारे पास एक बीएमआई मशीन, एक ऐसा हथियार आ चुका है जिसके चलते हम लोग काफी ज्यादा लोगों तक, उनको और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हम लोग उनको बता सकते हैं। क्योंकि अभी तक, आज तक हम लोग लोगों को सिर्फ मुंह से बताते थे, अपने फेसियल एक्सप्रेशन से बताते थे, या फिर अपने वर्ड से बताते थे कि सर अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके चलते क्या होता था कि लोगों के अंदर हम लोग वो सारा ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट नहीं कर पाते थे जो लोगों के अंदर होना चाहिए, जो लोगों के अंदर काफी ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि लोग नॉर्मली हमारे बातों के भरोसे वो नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आपको हमारी बातों के ऊपर भरोसा नहीं है तो आज मैं नहीं बताऊंगा, आज आपको हमारा ये मशीन बताएगा कि आपको आपके शरीर का कितना ज्यादा देखभाल करना जरूरत है। और यही चीजें बताने के लिए ही हम अपना बीएमआई मशीन को आपके पास लेके आए हैं। आज तक आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन आज आपके शरीर का जो कंडीशन है वो आपको ये मशीन बताएगा। मैं झूठ बोल सकता हूँ लेकिन हमारा ये मशीन झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए टीम बीएमआई मशीन एक ऐसा जरिया हमारे पास आ चुका है जिसके चलते हम अपना ड्रीम लेवल जो है वो हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर जितने भी सपने हमारे आज तक अधूरे रह गए हैं उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत हमें आइडिया को प्रॉपर तरीके से उसको फेलिसिटेट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग इसको कैसे भी करके भी लोगों के अंदर नहीं रख पाएंगे। क्योंकि आज के डेट में कोविड के बाद या फिर कोविड अभी भी चल रहा है, लेकिन पिछले 2 साल में लोगों के अंदर जीने की एक डर जो होता है ना, जीने की जो एक इच्छा होती है वो लोगों के अंदर जाग उठा है।
और आज लोग काफी ज्यादा से ज्यादा दवाई के ऊपर भरोसा करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा टाइम तक जीने के लिए। इसीलिए आज अगर लोगों के अंदर, अगर आपको थोड़ा सा भी उनके अंदर अगर आपको चीजों को और भी ज्यादा ग्रो अप करना है, चीजों को और भी ज्यादा ग्रोथ करना है, तो इसके चलते काफी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। आपको जिस फॉर्म में, मैं जिस फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूं, उस फॉर्म में आपको ज्यादा से ज्यादा डिटेल करने की कोई जरूरत नहीं है। उस फॉर्म में आप सिर्फ और सिर्फ जो हमारा नॉर्मल रेंज बीएमआई है उसके बारे में वहां पे लिखिए, वहां पे आप अंडर वेट के बारे में लिखिए, उसके साथ साथ ओबेसिटी, मॉर्बिड ओबेसिटी के बारे में लिखिए, जो हमारे पास रेंजेस हैं, जो पांच पांच रेंज है, उस रेंज के बारे में वहां पे लिख दीजिए। उसके साथ साथ आप वहां पे जिन व्यक्ति का बीएमआई चेक कर रहे हैं उनका नाम, उनका उम्र, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर जरूर वहां पे ब्लैंक ऑप्शन में छोड़िए। उसके साथ साथ लास्ट जो कलम है उसमें आप लिख दीजिए कि आपकी जितनी भी प्रेफरेंस है, चाहे वो तीन चार पांच जो भी आपके प्रेफरेंस है, उसमें अगर आप अपना नाम, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, तो इन सारे लोगों तक भी हम लोग जा सकते हैं, ताकि उन सारे लोगों तक भी हम अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाए। और ऐसे एक कागज के जरिए, एक फॉर्म के जरिए अगर कोई भी व्यक्ति पांच लोगों का नाम भी लिखता है, अगर वहां से भी हमें दो लोग या फिर तीन लोग भी ऐसे मिल जाते हैं जो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो उसी तीन लोगों से हम लोग कहां तक उनको लेके जा सकते हैं, टीम थोड़ा सा आप आइडिया कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जाना कहां पे है, जहां पे लोग फिट रहने के लिए डेली जाते हैं, जहां पे लोग जाते हैं कि उनको अगर वो उस जगह नहीं जाएंगे तो वो वहां पे फिट नहीं रह सकते हैं, जैसे पार्क, जैसे जिम सेंटर, जैसे कोई जहां पे योगा होता है, जहां पे मेडिकेशन होता है, उन सारे जगह को पहले आप हिट करिए जहां पे लोग फिट होने के लिए जाते हैं। सुबह सुबह पहुंच जाइए पार्क में, जहां पे लोग पूरा एक्टिविटी खत्म होने के बाद एक जगह आपको पार्क में ऐसा मिलेगा जहां पे सारे लोग बैठ के गप्पे मारते हैं, उस जगह पे बीएमआई कैंप करिए, ताकि सारे लोग आके उसी जगह पे बैठे और सब लोगों का जो निगाहें हैं वो हमारे इस बीएमआई कैंप के ऊपर पड़े, ताकि लोग उठ के आए, चल के आके देखे कि ये हो क्या रहा है, ये है क्या। उसके साथ साथ आप उनको कुछ प्रोडक्ट्स का डेमो दिखाइए, उनको कुछ प्रोडक्ट्स उनको खिलाइए, उनको कुछ प्रोडक्ट्स डेमो दिखाइए और उनको बताइए कि सर ऐसे काम करता है हमारा प्रोडक्ट्स, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ कोई भी क्लब्स जो आपके लोकल एरिया में होता है उस जगह पे आप पहुंचिए, वहां पे छोटा सा कोई ब्लड डोनेशन कैंप अगर ऐसा कुछ देख रहे हैं जो वहां पे हो रहा है, उस जगह पे आप बीएमआई कैंप कर सकते हैं। कोई भी जिम सेंटर में आप जाके बीएमआई कैंप वहां पे कर सकते हैं, कोई भी योगा सेंटर में जाके आप कर सकते हैं, साथ ही साथ कोई जहां पे फिजियोथेरेपी हो रहा है, जहां पे मेडिकल रिहैब है, वहां पे भी जाके आप बीएमआई कैंप कर सकते हैं। लेकिन हमेशा एक फॉर्म अपने पास जरूर रखिए, क्योंकि हो सकता है कि 10 लोगों का बीएमआई कैंप करने के बाद, बीएमआई चेक करने के बाद अगर 10 लोग आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो उस 10 लोगों के जरिए जो 30 लोगों का जो लिस्ट आपके हाथ में है, उन 30 लोगों तक आपको पहुंचना है, और उन 30 लोगों में से उम्मीद करते हैं कि वहां से 15 से 20 लोग तो आपके पास जरूर आ जाएंगे। और उन्हीं 30 लोगों के पास जब आप लोग जाएंगे, जब आपके पास रेफरेंस आ जाएगा, जब आप उनके पास जाएंगे, तो उनका भी फैमिली होगा। कोई भी व्यक्ति वो लिख तो रहा है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, लेकिन अगर आप उनके पास जाते हैं तो उनके भी फैमिली मेंबर्स होंगे। एक व्यक्ति के जरिए आपको और भी ज्यादा 4-5 लोग और मिल जाएंगे, तो आप सोचिए कि आपका टीम कितना बड़ा हो सकता है थ्रू एक ही मशीन जिसका नाम है बीएमआई मशीन। ऐसे करके अगर थोड़ा सा भी हम अपने बिजनेस को थोड़ा सा और भी अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो और भी ज्यादा हमें इजी महसूस होगा अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। सो टीम, कीवा बीएमआई मशीन, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो आपको सही दिशा दिखाता है, आपको एक सही रोड मैप बना के देता है, जिससे आपको काफी ज्यादा से ज्यादा आप अपने बिजनेस का लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स, बहुत सारे टीम मेंबर्स आज यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो फॉर्म का
जो फॉर्मेट है वो कैसा होना चाहिए। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। एक फॉर्म जैसे होता है वैसे ही आपको एक फॉर्म को प्रिपेयर करना है। कोई भी जहां पे कंप्यूटर का काम होता है, कोई भी साइबर कैफे में अगर आप जाते हैं, कोई भी फॉर्म का फॉर्मेट अगर आप उनके पास लेके जाते हैं, तो वो बहुत ही जल्दी 5-10 मिनट के अंदर वो आपको प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं। इनका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। सबसे पहले आप जिनका बीएमआई चेक कर रहे हैं, सबसे पहले आप ऊपर लिखिए नाम, आप ऊपर लिखिए उम्र, आप ऊपर लिखिए मेल है या फीमेल है, उनका लिंग लिखिए, उसके नीचे उनका एड्रेस और उनका फोन नंबर। बीच में आपको क्या करना है, बीच में आपको लिखना है कि उनका जो बीएमआई रेंज है वो कितना कितना है, वो सारा डिटेल्स आपको भर देना है। और लास्ट में नीचे आपको क्या करना है, नीचे आपको उन्हीं व्यक्ति का कोई रेफरेंस 1, 2, 3, 4 करके हमें लिख देना है कि सर आप प्लीज अगर आपका कोई रेफरेंस है तो आप इसमें उसको उसका नंबर, उसका एड्रेस और उनका जो नाम है वो आप लिख सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे कीवा का इंडस्ट्रीज का अगर आप चाहते हैं तो लोगो आप वहां पर दे सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल एक फॉर्मेट है, इसमें ज्यादा हमें मतलब साइंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा साइंस इसमें हमें लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इस फॉर्म को हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसके चलते एक लोगों से हम लोग फॉर्म फिलअप करवाएंगे, लेकिन उस एक लोग से जो फॉर्म फिलअप हम लोग करवाएंगे, उन्हीं व्यक्ति अगर 2 से 3 लोगों का रेफरेंस हमें दे रहे हैं तो काफी ज्यादा लोगों तक हम लोग पहुंच सकते हैं इस बीएमआई मशीन को लेकर। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में और भी ज्यादा सोचते हैं, थोड़ा सा और भी ज्यादा हम लोग इसके बारे में जानते हैं। और बीएमआई सेशंस, जब भी आपकी टीम में बीएमआई सेशन होता है तो प्लीज आप लोग इसको फॉलो करिए कि बीएमआई सेशन होता क्या है, व्हाट इज बीएमआई सेशन, व्हाट इज बीएमआई, बीएमआई रेंजेस क्या होता है, कौन से रेंज में कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना जरूरत है। ये सब चीजें जब आपकी टीम में होता रहता है तब प्लीज आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करिए। और साथ ही साथ जो नेशनल वेबिनार होता है उसमें भी आपको ये चीजें बताया जाता है कि कैसे एनालाइजर मशीन का काम होता है, कैसे बीएमआई मशीन का काम होता है। टीम, अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं थ्रू हमारा कोई वेबिनार, या फिर जो हमारा सेमिनार होता है, या फिर जो हमारे जूम मीटिंग्स होती है टीम वाइज, अगर उसके बारे में भी अगर हम लोग बात करते हैं तो बीएमआई के चल के हमारे पास काफी ज्यादा नॉलेज आ सकती है। थोड़ा सा करते हैं इसके ऊपर काम। मैं आपको ये चीज बता सकता हूं कि अगर इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा कॉन्शियस होकर अगर काम करेंगे तो हमारा कोई भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी लोगों तक पहुंचने के लिए जितनी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, उतना सारा प्रॉब्लम हमें फेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीएमआई मशीन जो है ये बहुत ही अच्छा एक जरिया है लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, लोगों को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। सुटीन, आज से लग जाते हैं हम लोग इसी मिशन पे कि लोगों को और भी ज्यादा बेहतर कैसे बनाना है, उनके पास कैसे हम लोग पहुंच सकते हैं, कैसे हम लोग बीएमआई कैंप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, वहां पे पहुंचिए जहां पे लोग फिट होने के लिए जाते हैं। अगर हम लोग उस जगह से थोड़ा सा और कोई दूसरा जगह पहुंच जाते हैं तो वहां पे लोगों को हम लोग थोड़ा सा उनको दिशा नहीं दिखा पाएंगे कि आपको फिट कैसे रहना है। अगर हम लोग पार्क में जाते हैं और वहां पे 10 लोग भी मिल जाते हैं और 10 लोगों में से अगर हम लोग बीएमआई के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो लोग बहुत ही गौर से इस बात को सुनेंगे, क्योंकि वो खुद आते ही पार्क में है कि वो और भी ज्यादा दिन तक अपने शरीर को और भी ज्यादा हेल्दी तरीके से वो आगे लेके जा पाए। और उसी को अगर आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है थ्रू बीएमआई मशीन, तो हम लोग काफी ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, काफी ज्यादा लोगों को हम अपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करवा सकते हैं। सुटीन, थोड़ा सा कोशिश करते हैं इस आइडिया के ऊपर, थोड़ा सा गौर फरमाते हैं इस आइडिया के ऊपर और देखते हैं रिजल्ट क्या है। जैसे हम लोग वेबिनार करते हैं आप लोगों को बताने के लिए, वैसे एक दिन हम लोग ये भी वेबिनार करेंगे कि आप लोगों से सुनने के लिए कि कैसे कैसे आप लोग इस चीजों को अपने लाइफ में थोड़ा सा लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज के साथ आप इसको फॉलो अप कर रहे हैं। तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप कितने लोगों तक पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। सो टीम, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं कि आज का जो सेशन है, आज का जो यूनिक टेक्निक्स है वो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आप इसको अपने लाइफ में थोड़ा सा इसको और भी ज्यादा फॉलो अप करिए, ताकि चीजें आप लोगों के अंदर इसको
इस फॉर्मेट को ला पाए और लोगों को और भी ज्यादा स्वस्थ तरीके से उनको जीने में मदद कर पाए। तो टीम इसी के चलते आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आगे चल के फिर से मुलाकात होगा एक नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू यू।